Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you and how are your family members? Alhamdulillah, I'm also fine. Brothers, today we will read the second paragraph, Republic Day. Let's and see the paragraph. Republic Day. It is celebrated on the 26th of January. India adopted its constitution on this day. On Republic Day, we are once again reminded of our rights and duties towards our people and our country. Flag hoisting, national anthem, parades, colorful cultural programs are also held throughout the country. Aziz Talba, ये आपका second paragraph है Republic Day के बारे में. आइए हम meaning और तर्जुमा देखते हैं. Republic Day. Republic Day किसे कहते हैं बताइए. What is Republic Day and what do you know about Republic Day? आप Republic Day के बारे में क्या जानते हैं, किसे कहते हैं बताइए. Republic Day ये कहते हैं यौमे जुम्हूरिया को. किसे कहते हैं? हाँ, यौमे जुम्हूरिया. और हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? हाँ, गणतंत्र दिवस. ठीक है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस. ठीक है, हाँ. आगे देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी. इट इज सेलिब्रेटेड यानी ये आपका जो रिपब्लिक डे है, यौमे जम्हूरिया है, इसके बारे में कह रहे हैं. इट इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है ऑन द 26th ऑफ जनवरी, 26 जनवरी को. कब मनाया जाता है बताओ? यह आपका जो यौमे जम्हूरिया है, जिसे रिपब्लिक डे इंग्लिश में कहते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी. ये 26 जनवरी को मनाया जाता है. समझ गए इतना? आगे देखिए, इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे. कह रहे हैं कि इंडिया अडॉप्टेड, हिंदुस्तान ने अपनाया इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आईन, अपना कानून, अपना दस्तूर. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आईन, ऑन दिस डे, इस दिन. ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे. हिंदुस्तान ने अपना आईन इस दिन अपनाया ऑन रिपब्लिक डे. और क्या दूसरी चीजें होती है वो बता रहे हैं. ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी के मौके पर, यानी यौमे जम्हूरिया के मौके पर, वी आर वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ अवर ड्यूटीज एंड ऑफ अवर राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर पीपल एंड अवर कंट्री. ठीक है, ऑन रिपब्लिक डे वी आर वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ अवर राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर पीपल एंड अवर कंट्री. इसमें बता रहे हैं कि ऑन रिपब्लिक डे यानी यौमे जम्हूरिया के मौके पर, वी आर वंस अगेन, एक बार में दोबारा रिमाइंडेड, याद दिलाया जाता है ऑफ अवर राइट्स, हमारी राइट्स, हमारे हुकूक को एंड ड्यूटीज और जिम्मेदारियों को टुवर्ड्स अवर पीपल, अपने लोगों एंड अवर कंट्री और अपने मुल्क के तहत. तो यौमे जम्हूरिया के मौके पर अपने मुल्क और अपने लोगों के तहत हमारे हुकूक और जिम्मेदारियों को दोबारा याद दिलाया जाता है. फ्लैग होस्टिंग, अब ये बता रहे इसमें क्या क्या होता है, यानी 26 जनवरी के दिन आप लोग क्या क्या करते हो. देखिए, फ्लैग होस्टिंग, नेशनल एंथम, परेड्स,
colorful cultural programs are also held throughout the country. इसमें क्या क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग, झंडे को फहराना, परचम कुशाई, नेशनल एंथम, कौमी तराना, प्रेड्स नुमाइश को बोलते हैं, यानी हर मुल्क वाले अपनी ताकत को और अपने उनके जो असलहा होते हैं, जंजीर, उन सबको वो आइटम होते हैं इनके जो मुल्की इस नुमाइश करते हैं, यानी अपनी ताकत और कुव्वत का इजहार करते हैं प्रेड्स की शक्ल में। देखिए फ्लैग होस्टिंग क्या क्या होता है, परचम कुशाई, नेशनल एंथम, कौमी तराना, प्रेड्स, कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स और रंगारंग कल्चरल थकाफती प्रोग्राम और ऑल्सो हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में मनाया जाता है, मुनाकिद किया जाता है। ठीक है, तो झंडे का फहराना, परचम कुशाई करना, कौमी तराना, प्रेड, रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम आर ऑल्सो हेल्ड, ये मुनाकिद किए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में। ये चीजें होती हैं रिपब्लिक डे के बारे में। अब आइए हम इसके तहत कुछ मीनिंग्स आ रही हैं उनको लिख लेते हैं। कॉपी निकालिए और फौरन लिखना शुरू हो जाइए। ठीक है, रिपब्लिक डे डेटिंग है आपकी, यानी यौमे जुमहूरिया, यौमे जुमहूरिया टू सेलिब्रेट CELEBRATE टू सेलिब्रेट, और इसके बाद में डी सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में सेलिब्रेटेड के माना है मनाना। कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION दस्तूर, आईन, दस्तूर, आईन, टू रिमाइंड REMIND रिमाइंड, ईडी सेकेंड थर्ड फॉर्म में ज्वाइन करेंगे, जिसके मान होंगे याद दिलाना। राइट्स RIGHTS राइट्स, हुकूक, ड्यूटी DUTY जिम्मेदारी फ्लैग होस्टिंग परचम कुशाई नेशनल एंथम NATIONAL नेशनल NATIONAL एंथम ANTHEM एंथम कौमी तराना PRED नुमाइश
कल्चरल सी ओ ए ओ यू कलर यू आर एफ यू एल कलरफुल रंगारंग रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम सी यू एल टी यू आर एल कल्चरल प्रोग्राम प्रोग्राम पी आर ओ प्रोग्राम जी आर ए डबल एन पी एस प्रोग्राम्स सकाफती प्रोग्राम सकाफती प्रोग्राम सकाफती प्रोग्राम्स इसके बाद में थ्रो आउट टी एच आर ओ यू जी एच ओ यू टी थ्रो आउट तमाम तमाम पूरा ये चंद मीनिंग्स थी जो इस पैराग्राफ के तहत आई हैं। इसको लिख लीजिए और याद करना है विद स्पेलिंग स्पेलिंग के साथ और रोजाना होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको पूरा करते रहना है तारीख लिख लिख करके। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।